और अब बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर दिल्ली से देहरादून का सफर सुलभ बनाने के लिए परिवहन विभाग ने 5 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस सिस्टम को लगाया गया है, जिससे बस की लोकेशन को भी देख सके। इलेक्ट्रिक बसों को सूबे के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने पूजा अर्चना की, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुलभ और अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए 5 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि सेवा सफल होती है तो आने वाले समय में और अधिक बसें चलाई जाएंगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी द्वारा एक अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसें चलाएं, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड में भी हम पीपीपी मोड में 5 नए बसों को आज हम यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं।